Hello everyone, welcome to Coding Gyan. Today we will talk about list and keys in React. So let's start. सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि लिस्ट का मतलब क्या होता है. लिस्ट अगर आपने HTML करी होगी या JavaScript करी होगी तो आपने उसमें लिस्ट का यूज़ ज़रूर सीखा होगा. डाटा को एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में अगर डिस्प्ले करवाना है या अनऑर्डर्ड फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है उसके लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं. जैसे कि वेबसाइट्स पर आपने मेन्यूज़ को देखा होगा तो वो हम लिस्ट की हेल्प से ही डिस्प्ले करवाते हैं. और जैसे हम जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते थे लिस्ट, वैसे ही हम रिएक्ट के अंदर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं सिमिलर वे में. और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये भी बताया था कि हम कीज़ के बारे में भी सीखेंगे. तो की का मतलब क्या होता है? की इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर. और रिएक्ट के अंदर हम की का यूज़ किस लिए करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट में से अगर आप किसी आइटम को डिलीट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो तो उसके लिए एक आइडेंटिफायर होना चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी आइटम हमने डिलीट करी है, हमने अपडेट करी है या चेंज जो भी करा है. तो उसके लिए हम की का यूज़ करते हैं और की काफ़ी यूज़फुल होती है. जैसे कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो, द रिएक्ट वे टू रेंडर अ लिस्ट यूज़ एरे डॉट मैप. अगर आपको मैप फंक्शन के बारे में नहीं पता तो उससे रिलेटेड मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कैसे हम मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर. एंड मोर ओवर, यू शुड गिव ईच आइटम अ यूनिक की. तो अब चलिए अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं. सो सबसे पहले डॉम के अंदर कैसे लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं वो सीखेंगे. उसके बाद कॉम्पोनेंट के अंदर कैसे कर सकते हैं वो भी सीखेंगे. और हम क्रिएट कैसे करेंगे लिस्ट रिएक्ट के अंदर, उसके लिए हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे. और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि मैप फंक्शन से रिलेटेड आप वीडियो चैनल पर रेफर कर सकते हैं. मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि कैसे मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो. सो यहाँ पर रेंडर से पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, कॉन्स्ट माई लिस्ट, और उसके अंदर मैं कुछ आइटम्स देंगी यहाँ पर, ए बी सी डी ई. और अब हम क्या करेंगे इस लिस्ट के अंदर, इसको ट्रांसवर्स करने के लिए हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे. सो एक और कॉन्स मैंने डिक्लेयर करा, लिस्ट आइटम्स, और उसके अंदर अब क्योंकि हमें ट्रांसफर्स करना है तो इसके लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा ना जो हमने ऊपर एरे डिक्लेयर करा है, माय लिस्ट डॉट मैप. और इसके अंदर यहाँ इसको पास करा एंड वी विल नाउ गिव द एरो फंक्शन. और हमें लिस्ट को रिटर्न करना है सो उसके लिए अब कर्ली ब्रेसेस दिए हैं यहाँ पर. JSX के लिए तो हमें यहाँ देने ही पड़ेंगे ना, माय लिस्ट. अब यहाँ पर हमने रिटर्न तो करा दिया बट हमें रेंडर के अंदर में यहाँ पास भी तो करना होगा ना जिससे कि हमें ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा. सो ये जो लिस्ट आइटम्स है यहाँ पर हम पास करेंगे. सेव दी चेंजेस एंड ओपन दी ब्राउजर. ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स ए बी सी डी ई. नाउ वी हैव ऑलरेडी रेंडर्ड द लिस्ट टू द डॉम. बट ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया है रिएक्ट इज ऑल अबाउट कॉम्पोनेंट्स. तो अब कॉम्पोनेंट्स के अंदर हम कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे. यहाँ पर एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट मैं क्रिएट कर लेती हूँ, फंक्शन मैंने कॉपी करा, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया. वो भी कॉपी कर लिया, यहाँ रेंडर से पहले इसको पेस्ट करा. और अब इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स. तो मैं यहाँ पर प्रॉप्स पास कर देती हूँ. प्रॉप्स भी अगर आपको समझना है उससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर डली हुई है, आप रिएक्ट सीरीज को रेफर कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है. यहाँ से हटाया और कैसे एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, प्रॉप्स डॉट माई लिस्ट.
बाकी सब कुछ तो यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब क्योंकि हम एक सिंगल यहाँ पर अब देख सकते हैं स्टेटमेंट पास कर रहे हैं और एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करने का कोई नीड नहीं है। इसके बाद मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस भी हटा देती हूँ, ये भी अगर हम नहीं देंगे तो भी चलेगा। रिटर्न करेंगे एक डिफ, क्योंकि अब मल्टीपल आइटम्स को हमें रेंडर करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कीवर्ड मुझे यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, एक सिंगल स्टेटमेंट थी, मल्टीपल आइटम्स को रेंडर करने के लिए या तो हम फ्रेगमेंट का यूज करते हैं या डिफ का, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता भी रखा है अगर आपने पुरानी वीडियोस रेफर करी होंगी। यहाँ पर एक हेडिंग दे रही हूँ, रेंडरिंग लिस्ट इन कंपोनेंट, टैग दिया, करा लिस्ट आइटम्स, और उसके बाद अब यहाँ पर मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अपना यहाँ पर कंपोनेंट पास करना है जो कि क्या नाम है, मैंने यहाँ प्रॉप्स की हेल्प से एक्सेस तो करा लिया, बट यहाँ पर भी तो मुझे पास करना होगा ना। ये क्या दिया था मैंने वेरिएबल, कॉन्स्ट माय लिस्ट, और यहाँ कर्ली ब्रेस दिए माय लिस्ट। लेट सेव द चेंजेस, ये देखिए अब यहाँ पर हेडिंग भी डिस्प्ले हो रही है और वैसे ही जैसे पहले लिस्ट आइटम्स डिस्प्ले हो रही थी अब भी वैसे ही हो रही है, बस ये फर्क है कि अब हमने कंपोनेंट के अंदर इनको यहाँ पर रेंडर करवाया है, जबकि पहले डॉम के अंदर करवाया था। हम कीज के बारे में सीखेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको की थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे ही दी थी कि लिस्ट के अंदर अगर कोई आइटम्स हैं को हमने डिलीट करा, अपडेट करा या चेंज करा, तो की क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है, तो की की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उन आइटम्स को। और हमें जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरे ऑफ आइटम्स मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, तो की को हमें देना चाहिए इस एरे के अंदर, जिससे कि हम इन एलिमेंट्स को एक यूनिक, एक स्टेबल आइडेंटिटी दे पाएं। और बेस्ट वे क्या होता है कि हमको पिकअप करना चाहिए की एज अ स्ट्रिंग, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आइटम्स को। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट करा और यहाँ अब यहाँ पर चेंज कर दिया स्ट्रिंग लिस्ट, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया, और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे माई लिस्ट के बजाय स्ट्रिंग लिस्ट, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं मैंने एरे ऑफ आइटम्स को यहाँ पर क्या किस नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। और अब यहाँ पर हम की पास करेंगे जिससे कि हम यूनिकली हर एक आइटम जो ये ए बी सी डी है इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो स्ट्रिंग लिस्ट डॉट आई डी, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ये एरे ऑफ आइटम्स हैं यहाँ पर मैंने कोई एक इनको स्टेबल आई डी तो ना दे रखी है इन आइटम्स को, तो अगर ऐसा कोई केस होता है ना तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, की को एज अ मतलब कि की को हम कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, यहाँ पर आईडी के बजाय इंडेक्स असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई आईडी नहीं दे रखी है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर दिया क्योंकि अभी मैं इसको कोड के अंदर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। सो यहाँ पर अब हम की पास करेंगे और जैसे कि बताया था इंडेक्स असाइन कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें पास भी तो करना होगा ना, क्योंकि अगर मैं नहीं करती हूँ तो देखते हैं यहाँ पर आ रहा है इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पास करना होगा ना मैप फंक्शन के अंदर। लेट सी नाउ, ये देखिए वैसे ही रेंडर हो रही है लिस्ट, मतलब कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स है जैसे पहले हो रही थी, बट यहाँ पर अब हमने क्या करा है, की का यूज़ करा है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इन एरे ऑफ आइटम्स को। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अच्छे से आज सीख पाए लिस्ट और की के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।